हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग पटना। तो आज कुछ खास नहीं, बस सुबह सुबह इतनी अच्छी सी बारिश हो रही है और मौसम बड़ा मस्त हो रखा है, तो हमने सोचा एक छोटा सा ड्राइव मारा जाए। हम लोग बेसिकली अभी भूतनाथ रोड के आसपास आए हुए थे और अब हम लोग वापस घर की तरफ अपना रुख कर चुके हैं। मतलब अभी पटना भी एक ऐसा सिटी हो गया है जहाँ पे आप एवी ड्राइव मार सकते हो, सो दैट काइंड ऑफ प्लेस नाउ पटना इज। पटना इज हैविंग गुड रोड, गुड ट्रैफिक, और सुबह सुबह तो खैर वैसे भी मज़ा आता है, दबा के मज़ा आता है। ये हमारा ब्रिज है जो हमको कनेक्ट कर देगा डायरेक्ट आर ब्लॉक से, राइट? ब्रिज के थ्रू आप आर ब्लॉक जा सकते हो, देन आप स्टेशन जा सकते हो, देन आप कहाँ जा सकते हो, बहुत सारी जगह पे जा सकते हो इस ब्रिज के थ्रू। आप इस तरफ वाले एरिया में, इस एरिया का नाम क्या है, नाम राजेंद्र नगर ना, राजेंद्र नगर तो खैर इसको क्रॉस करके राजेंद्र नगर आ जाता है। लुक एट दैट सोसाइटी, क्या बढ़िया सोसाइटी बनी हुई है। एंड दैट इज यू नो वेरी कॉस्टली, कॉस्टली बोलना गलत होगा क्योंकि जिस हिसाब से इस सोसाइटी के अंदर एमिनिटीज दी गई हैं और जिस तरह के फ्लैट्स यहाँ बने हुए हैं, दैट इज डिजर्विंग द प्राइस व्हाट दे आर ऑफरिंग, अगेन अ गुड थिंग। और ये रहा मेरा पुराना ऑफिस, डेनी टीवीएस, शादी से पहले यहाँ पे काम किया जाता था। राजेंद्र नगर स्टेशन, अभी तो खैर सुबह का टाइम है तो लाइट्स वगैरह ऑफ है यहाँ पे, तो वो मजा नहीं आ रहा है, बट रात में इसको देखने में ना मजा आता है, लिटरली मजा आता है। चाहे पटना जंक्शन भी, देखो हमारा तिरंगा इतने शान से लहरा रहा है। ये हमारे आगे आगे जो गाड़ी जा रही है, ये क्या करना चाहती है नहीं पता चल रहा मुझे। वेल एक्चुअली आज इतने सुबह सुबह निकलने के पीछे एक रीज़न भी है। कल रात से ही मतलब दिमाग भी थोड़ा ज़्यादा ही डिस्टर्ब रहा है, दिस सुशांत सिंह इंसिडेंट। क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ पता नहीं है, बस जो न्यूज़ आ रहे हैं वही हम लोग सुन रहे हैं, वही समझ रहे हैं, बट जो भी था, जैसा भी था, इट इज़ रियली यू नो डिसहार्टनिंग, तकलीफ होती है। बिल्कुल यंग बंदा और सक्सेसफुल बंदा, कोई पैसे की कमी नहीं, कुछ नहीं, और फिर भी इफ़ ही हैज़ टेकन स्टेप लाइक सुसाइड, सो मतलब ओवरऑल यदि इसको आप गौर से देखो तो ये प्रूफ करता है इस चीज़ को दैट सक्सेस, मनी और जिन चीज़ों के पीछे हम भाग रहे हैं हर दिन, सिर्फ वही चीज़ें लाइफ के लिए मैटर नहीं करती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। सो बेसिकली टू रन बिहाइंड मनी, टू रन बिहाइंड सक्सेस शुड नॉट बी द ओनली गोल। These are very important thing, but then ultimately nothing of these things are your life. Your life is very important. और life में खुश रहने के लिए you should be near to your family, near to your dear ones. यदि ये चीज़ें आपके पास हैं तो आप happiest इंसान हो धरती पर। अदरवाइज बहुत सारे यंगस्टर्स या बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज़ हमेशा रहती है कि इफ़ यू आर हैविंग मनी यू कैन बाय एवरीथिंग, यू कैन बी द हैप्पीएस्ट मैन, बट दैट्स नॉट द ट्रूथ। ट्रूथ इज समथिंग एल्स, जो अभी देखने को मिल रहा है आप गौर से देखो तो सुशांत सिंह इज नॉट द ओनली एक्टर हु हैज कमिटेड सुसाइड। यदि आप फिल्म इंडस्ट्री को देखो, दिस इज़ यू नो
मतलब एक अलग ही इंडस्ट्री है, अलग ही अट्रैक्शन है वहाँ पे। जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, मतलब हर कोई चाहता है उनके जैसे लाइफस्टाइल, उनकी तरह का नेम फेम, जो हर किसी को मिलता नहीं है और उनके पास है और उसको छोड़ के भी वो जा रहे हैं। सो रेस्ट इन पीस सुशांत सिंह। हम लोग सभी लोग एक डायलेमा में हैं, क्या हुआ कैसे हुआ, खैर जो होना था वो तो हो चुका है। आगे हम लोगों के लिए लेसन एक तरीके से कि भाई फैमिली फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है लाइफ में, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो आपको एक्चुअल खुश रख सकती हैं। पैसा वैसा तो ठीक है, वो भी है, तो खैर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा भाषण देके मतलब नहीं बनता है, जो है जैसा है। चलो तो हम लोगों ने अपना मूड फ्रेश करने के लिए ये छोटा सा एक ड्राइव किया है, अच्छा लग रहा है सुबह सुबह का ड्राइव। बहुत दुख हुआ नहीं, एक महीने में देखा जाए ऋषि कपूर, इरफान खान, सुशांत सिंह राजपूत, तीन मतलब एक्टर का। दिस इज बेसिकली 2020 जो है ना वो मतलब अजीब टाइप से जानलेवा टाइप से होता जा रहा है, हर चीज खराब हो रही है। COVID-19, उसके अलावा बहुत सारे आंधी तूफान, कोलकाता का वो मतलब जो खराब कंडीशन है, देन इतने सारे जो सेलेब्स हैं वो जा रहे हैं एक एक करके, और अच्छे अच्छे लोग जा रहे हैं जिनके जाने से एक्चुअली तकलीफ होती है। हाँ 2020 में बहुत कुछ अच्छा नहीं हुआ, बस एक चीज छोड़ के जो एक बेबी हुआ हमारे घर में है ना, ट्विंस बेबी। हाँ दैट इज ऑल टुगेदर, बस एक अच्छा वो था, हमारा पर्सनल स्टफ है। बट ओवरऑल यदि देखा जाए तो मतलब अजीब सा है ये 2020, अभी तो बस ऐसा लग रहा है कि जल्दी जल्दी ये ख़त्म हो जाए, बिकॉज दिस इज नॉट गिविंग अस एनीथिंग गुड। सब कुछ बुरा 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 और इतना बुरा दिख रहा है कि मतलब अच्छा नहीं लग रहा है अभी तो, और ये चीज़ें एक्चुअली डिस्टर्ब करती हैं आपको बहुत ज़्यादा। तो चलो आज के लिए इतना ही, अभी थोड़ा सा आप लोग पटना का नज़ारा देख लो, देन अगले वीडियो तक के लिए हम लोग इंतजार करेंगे। कोशिश तो आपने बहुत करी था बेटा, हाँ